ओके शुरू। अभी एक क्वेश्चन देखो, आप रीड कर पा रहे हो स्क्रीन पे? रीड यस सर। मैं रीड करता हूँ, फिर भी इन केस अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हो तो आप देखो एक बार। अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल प्लैंक इज रेस्टिंग सिमेट्रिकली इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन टू सिलिंड्रिकल ड्रम्स व्हिच आर स्पिनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन अबाउट देयर हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद इक्वल एंगुलर वेलोसिटी। The distance between the axis is 2L and the coefficient of friction between the plank and the cylinder is mu. If the plank is displaced slightly from the equilibrium position along its length and released, show that it performs simple harmonic motion. Okay. मैं सिचुएशन को डिस्क्राइब करता हूँ, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ एक बारी। ये प्लैंक है मान लेते हैं, और एक ड्रम नीचे में सिलिंड्रिकल ड्रम, और सिमेट्रिकली एक और ड्रम भी लेना है हमें। दिस इज द अदर ड्रम। दोनों का लोकेशन एकदम बिल्कुल सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, मतलब प्लैंक से एक एज से दूसरा जितना दूर होगा उतना ही दूर दूसरा भी होगा, और इन दोनों के एक्सिस के बीच में डिस्टेंस 12 दे रखा है। दे हैव गिवन अस इन द क्वेश्चन, ये वाले डिस्टेंस उसने 12 दे रखी है। 12 मतलब कि सेंटर से अगर आप देखोगे तो L डिस्टेंस मिलेगा आपको। ये सेंटर वाली लाइन मार्क करें तो इधर से भी X और इधर से भी X, सॉरी L मिलेगा, L मिलेगा डिस्टेंस। ये भी L और ये भी L, एंड दोनों की एंगुलर वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक अगर इधर घूम रहा होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से तो दूसरा भी इधर घूम रहा होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। दिस इज व्हाट दे हैव गिवन अस। देखो डेटास एक बार आप मैच करा लो, जो डेटास मैंने क्वेश्चन में रीड किया एग्जैक्टली वो चीज ही लिखा है, बस और कुछ नहीं है। अब इस केस में ये SHM कैसे करेगा उसकी बात करते हैं। जैसे अभी इस सिचुएशन में आप देखो क्या हो रहा होगा, इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो MG वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, दोनों प्लैंक के सर्फेसिस पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये N N1 मान लेते हैं, और यहाँ पे अगर दिखाओगे तो आप N2 दिखाओगे। N2 और N1 सेम ही होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो सेंटर ऑफ मास से राइट वाला जो डिस्क का जो पेरिफेरी टच कर रहा है, ड्रम का जो पेरिफेरी टच कर रहा है वो जितने डिस्टेंस पे है वो L है, और सेंटर से लेफ्ट वाला जो पेरिफेरी जो डिस्क ड्रम का है वो भी L डिस्टेंस पे है, तो इसीलिए टॉर्क बैलेंसिंग करोगे तो N1 into distance should be equal to N2 into the distance from the center of mass, and distance same है तो इसलिए N1 N2 भी सेम होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन अगर सेम है तो पक्का है फ्रिक्शन भी सेम होगा, तो इस केस में अगर आप दिखाओगे तो जैसे सिंस लेफ्ट वाले ड्रम की बात करें तो वो राइट की तरफ स्पिन कर रहा है, तो उसके ऊपर अगर हम फ्रिक्शन दिखाएं तो लेफ्ट की तरफ दिखाएंगे, ये फ्रिक्शन ऑन दी ड्रम है, बट यही फ्रिक्शन जब आप प्लैंक पे दिखाओगे तो उसमें आप दिखाओगे तो फ्रिक्शन राइट की तरफ दिखाओगे। सेम लॉजिक से राइट वाले ड्रम पे अगर फ्रिक्शन दिखाएं तो राइट की तरफ दिखाएंगे, एंड जब हम प्लैंक पे दिखाएंगे एक्शन रिएक्शन की तरह तो वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। ये फ्रिक्शन की वैल्यू भी सेम होगी, F1 और F2 अगर आप लिखते हो तो F1 की वैल्यू भी आपकी F2 से मैच करेगी, क्यों? सिंस N1 N2 भी आपका मैच करता है, तो ये तो इक्विलिब्रियम का है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो, इमेजिन करो कि आपने इस जो अपना प्लैंक है उसको हॉरिजॉन्टली अगर थोड़ा डिस्प्लेस करोगे, मान लेते हैं हम राइट की तरफ हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, लेट्स से कि हमारा ये प्लैंक, और अब हम इसको थोड़ा सा राइट की तरफ डिस्प्लेस कर देंगे, तो अब अनसिमेट्रिकल प्लेसमेंट हो जाएगा ये, बेसिकली एक तरफ थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो चुका है ये। तो अगर मैं मान लेता हूं कि इसको मैंने प्रीवियस पोजीशन के रिस्पेक्ट में एक्स से डिस्प्लेस कर दिया है, तो ऑब्वियसली इसका सेंटर ऑफ मास भी आपका एक्स से डिस्प्लेस कर जाएगा, इजंट इट? ये फिक्स्ड है, जो सिलेंडर्स हैं अपने वो फिक्स्ड है, मतलब जो ड्रम्स हैं वो फिक्स्ड है, उनके बीच की सेपरेशन आपकी L की 12 की ही रहेगी, दिस डिस्टेंस इज स्टिल 12, बट इसके बीच से अगर लाइन ड्रॉ करें, बीच से अगर लाइन ड्रॉ करें, ये इधर से L और इधर से भी L, तो सेंटर ऑफ मास अब ये बीच वाली लाइन से थोड़ा सा x डिस्टेंस आगे शिफ्ट कर गया होगा, क्योंकि हमने प्लैंक को अगर x शिफ्ट किया है तो प्लैंक का जो सेंटर है वो भी तो x से ही शिफ्ट होगा ना, होगा नहीं होगा? हाँ सर। ठीक है, तो अभी देखो प्लैंक का जो सेंटर ऑफ मास है, ये देखो प्लैंक का सेंटर ऑफ मास दिखा रहे हैं, तो ये भी पक्का है आपका x से शिफ्ट हो चुका है, दिस इज शिफ्टेड बाय डिस्टेंस x हो गया। ठीक है, तो वेट अब तो इधर से ऐड करेगा,
सो वेट इज एक्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। तो अभी अगर देखोगे तो सेंटर ऑफ मास के क्लोजर आपका राइट वाला सिलेंडर है, और राइट वाला सिलेंडर अगर क्लोजर है तो इसका मतलब वहां से नॉर्मल रिएक्शन आपको ज्यादा मिलेगा, मिलेगा ना ज्यादा रिएक्शन, राइट? समझ आ रही है आपको? यस सर। ये एन वन डैश और एन टू डैश आप दिखा देते हैं, ठीक है। तो एन वन डैश विल डेफिनेटली बी लेसर, क्यों? क्योंकि उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से यू नो कम है। तो अगर टॉर्क बैलेंसिंग अगर आप करोगे, टॉर्क बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट COM अगर आप जीरो करोगे, तो आप क्या लिखोगे? एन वन डैश इंटू डिस्टेंस उसका कितना हो गया, एल प्लस एक्स। तो एल प्लस एक्स दैट शुड बी इक्वल टू एन टू डैश इंटू एल माइनस एक्स लिखेंगे। सो एन टू डैश क्लियरली आपको दिख रहा है एन वन से बड़ा है, तो एन टू डैश इज कमिंग आउट टू बी एन वन डैश इंटू एल प्लस एक्स बाई एल माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। yes, sir. दूसरी चीज ये है कि अगर आप ये भी नोटिस करोगे यहाँ पे, तो एन वन डैश और एन टू डैश का सम जो है वो भी आपका एमजी है, तो एन वन डैश और एन टू डैश इन दोनों का सम आपका एमजी से मैच करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एन वन डैश और एन टू डैश की इंडिविजुअल वैल्यूज निकालना चाहता हूँ तो आराम से निकाल सकते हैं। एन टू डैश आपको इन टर्म्स ऑफ एन वन डैश पता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एन वन डैश प्लस, अब यहाँ लिखे तो एल प्लस एक्स बाई एल माइनस एक्स इंटू एन वन डैश दैट विल बी इक्वल टू एम जी। सो देयरफॉर एन वन डैश की वैल्यू हो गई है एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई दिस विल बी एक्स एक्स कट जाएगा, ये ट्वेल्व हो जाएगा एंड इंटू एम जी आ जाएगा। सिमिलरली अगर एन टू डैश निकालोगे तो यह आ जाएगा एल प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू एल एंड दैट मल्टीप्लाइड विद एम जी। तो एन वन डैश और एन टू डैश की वैल्यू में मिल चुकी है। अब एन वन डैश और एन टू डैश की वैल्यू मिल चुकी है, इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू भी मिल गई है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इस प्लैंक पे लगेगी एफ टू डैश अगर कह लें, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगी इसको अगर हम एफ वन डैश कह लें, तो पक्का है एफ टू डैश शुड बी ग्रेटर सिंस एन टू डैश इज ग्रेटर। तो इससे अब आपको ये पता चल रहा है कि अगर F2 dash F1 dash से बड़ा है तो पक्का है लेफ्ट की तरफ एक नेट फोर्स आ रही है, राइट की तरफ हमने डिस्प्लेस किया और लेफ्ट की तरफ आपकी फोर्स आ रही है। तो इससे पता चल रहा है कि आपका रिस्टोरिंग फोर्स तो अवेलेबल है यहाँ पे। तो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ दिखा रहे हैं, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी F2 dash माइनस ऑफ F1 dash एंड डिवाइडेड बाई M कर लेंगे। F2 dash और F1 dash की वैल्यू म्यू टाइम्स ऑफ N2 dash माइनस ऑफ N1 dash and divided by M कर लेंगे। N2 dash और N1 dash तो आप निकाल चुके हो, उसको substitute कर दें, तो mu by M common out कर लिया, and N2 dash minus of N1 dash, L plus X minus of L minus X, LL कट जाएगा, 2X आ जाएगा, so 2X divided by 2L into MG, ये 2-2 cancel out हो गया, ये M भी cancel out हो गया, and value आ रही है mu G divided by L and that multiplied with X। अगर आप देखोगे तो acceleration proportional to x प्रूव कर दिया हमने, प्रूव कर दिया ना? हाँ सर। and therefore ये वाला टर्म अपना omega square हो जाएगा। omega square। this will be omega square and therefore time period will be 2 pi root under l by mu दिया जाएगा। समझ आई? yes sir। समझ आई है सबको? clear है बेटा? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम इज शोन इन द गिवन फिगर, द सिस्टम इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम, अ बुलेट ऑफ मास m by 2 मूविंग एट अ स्पीड u हिट्स द ब्लॉक फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे एक बुलेट भी है एंड ये आपका नीचे से स्ट्राइक करेगा u स्पीड से एंड इसकी मास आपको m by 2 दी हुई है, हिट्स द ब्लॉक फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट। Find the amplitude of oscillation of the block now. Amplitude एक निकालना है, उसका दूसरा क्या निकालना है? Find the time taken by the block to reach the upper extreme end. ये दो चीजें आपको find out करनी है। सबसे पहला चीज ये है कि जब हम एक block को, जैसे ये सोचो कि एक block है hang कर रही है equilibrium में, ये ब्लॉक है मास m का, और अगर मैं नेचुरल लेंथ मार्क करूं तो कहीं पे यहां पे मान लेते हैं नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ की पोजीशन मार्क की है, और इस नेचुरल लेंथ से ये ऑलरेडी इलोंगेटेड है बाय डिस्टेंस h, उसने दिखा रखा डायग्राम में, दिस h विल बी
एम जी डिवाइडेड बाई के, सही है ना, इक्विलिब्रियम इलॉन्गेशन है. हाँ, इसको कह सकते हैं दिस इज इनिशियल इक्विलिब्रियम. इनिशियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब वो बुलेट उसमें एम्बेड हो जाएगा तब तो मास हेवियर हो जाएगा ना. हाँ, मास बढ़ जाएगा, तो मास बढ़ जाएगा तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, नया इक्विलिब्रियम पोजीशन देखना पड़ेगा कि कहाँ आएगा. तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलली, एक सामने में एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. अब ये हटा देते हैं यहां से, नेचुरल लेंथ वाली लाइन तो वही है. अब ये मार्क कर लेते हैं कि इसका फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गया होगा, नीचे आ जाएगा ना, थोड़ा सा आएगा, नहीं आएगा. दिस इज फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन. और इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में अभी ये मास अपना तो m की जगह अब 3m by 2 हो चुका है, क्योंकि m by 2 उसमें एम्बेड हो चुका है, 3m by 2 हो चुका है. समझ आ रही है ना आपको? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी mg by k था, तो एक्स्ट्रा कितना आएगा, m by 2g by k, ये है ना. ठीक है सर. हाँ सर. हाँ हाँ बोलिए सर. इनिशियल इक्विलिब्रियम मतलब बुलेट हिट करने से पहले और फिर पहले. बुलेट हिट करने के बाद वो एडिशनल डिस्टेंस नीचे आएगा, वो तो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में आएगा. इक्विलिब्रियम में कभी रुकेगा क्या, ये तो ऑसिलेटिंग सिस्टम है ना. हाँ, तो तुम ये क्यों बोल रहे हो कि हाँ फाइनल वहां पे आ जाएगा, वहां पे आके थोड़ी ना रुकेगा, वो तो ऑसिलेटिंग सिस्टम में आता जाता रहेगा. अच्छा अच्छा हाँ 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 सर. अगर नीचे से कोई चीज को स्ट्राइक करेंगे तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? हाँ, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, पर एक इक्विलिब्रियम तो बीच में होगा ना. तो फिर ठीक है सर. सो ये 3m by 2 का जो ब्लॉक आ गया है, इसका वेलोसिटी अगर हमसे पूछे अभी वेलोसिटी कितनी आएगी, तो ये भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से. कैसे? मोमेंटम कंजर्वेशन करके कर सकते हैं ना, राइट? क्योंकि ग्रेविटी नॉन इम्पल्सिव फोर्स होती है, ग्रेविटी की वजह से सडन मोमेंटम चेंजेस नहीं आते हैं. कोलिजन का ड्यूरेशन बहुत छोटा है, तो मोमेंटम ग्रेविटी की वजह से इतने छोटे ड्यूरेशन में चेंज नहीं हो सकता. तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो m by 2 into u should be equal to 3m by 2 into v. So therefore यहां से v की वैल्यू आपको मिल गई है, that is u by 3 आ रही है. ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन आपको पता चल चुका है ना. वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम से कितना डिस्प्लेसमेंट है, देखो उसका इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में. इसको अगर मैं x लिखता हूं तो देखो v इक्वल टू ओमेगा, ये अगर आपको रिलेशन याद हो तो v इक्वल टू ओमेगा इनटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, याद है आपको एक्सप्रेशन? हां सर. तो इसमें v का वैल्यू देखो आपको पता है u by 2 है, ओमेगा तो आपको ऑलरेडी पता है रूट अंडर k by m, m में 3m by 2 लेना पड़ेगा, तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो यहां से u by 3 is equal to ओमेगा की जगह रूट अंडर k by m लिख रहे हैं, तो k by 3m by 2 and into रूट अंडर a square minus x square कर लेंगे. So this will be a square minus x square. और x square में कौन सा आएगा? That will be mg divided by 2k का square. समझ आया आपको? Did you all understand? Yes, sir. तो अभी इसको square कर लो एक बारी, तो उससे आपको amplitude मिल जाएगा. So amplitude का value आ रहा है mg by 2k का square plus this is u square by 9 हो जाएगा, एक 3 कट जाएगा. तो ये हो जाएगा आपके पास m m into u square divided by 3 to the 6k and then फिर रूट ले लेंगे. देखो तो ये आ रही है ना, चेक करो आ रही है सर. सर वो जो x था ना ऊपर सर, वो जो हाँ सर, वो जो वो 3m by 2g by k होगा ना. अरे 3m by g, ओहो क्या कर रहे हो, ये लो इलॉन्गेशन कहाँ से लेते हो? नेचुरल लेंथ से ही लेते हो ना इलॉन्गेशन? हाँ सर. ठीक है. अरे एक्स्ट्रा कितना इलॉन्गेट करेगा, वो एक्स्ट्रा मास की वजह से करेगा. हाँ. यही तो है लॉजिकली. इतना इतना मैथमेटिकल क्या करते हो? एक है नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में पहले से ही mg by k elongated है, अब तुमने m by 2 और ऐड कर दिया, तो m by 2 की वजह से कितना और elongate करना चाहिए था with respect to previous position, तो m by 2 by g, m by 2 g by k. So anyways, ठीक है, देखो अभी समझ आ गई आपको, amplitude मिल गया आपको? हाँ सर. दिख रही है? Now once you've got amplitude, अब हम आराम से इसका SHM को, you know, phasor diagram से analyze कर सकते हैं. देखो
देखो ये है उसका मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी वो थोड़ा ऊपर की तरफ स्ट्रेस्ड है, तो यहां पे कहीं है, यहां इक्विलिब्रियम था, ये एक्स है और यहां पे इसकी वेलोसिटी हमने भी दिखा रखी है, ठीक है ना। देखो तो चेक करो, समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? यस सर। और उसने हमसे क्या टाइम पूछा था? फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द अपर एक्सट्रीम पोजीशन आफ्टर हिट बीइंग हिट बाय द बुलेट। तो अगर ये t इक्वल टू 0 का है तो यहां पहुंचने का ही तो टाइम निकालना है ना, ये टाइम कितना होगा, यही पूछा है ना, यही पूछा है ना। हाँ सर। अब इसको अगर फेजर डायग्राम में ड्रॉ करोगे क्या दिखेगा आपको? फेजर डायग्राम में इनिशियल फेज यहाँ है एंड बाद में उसको यहां से घूम के, ये t इक्वल टू 0 पे यहां से घूम के इसको यहाँ पे आप पहुंचना है टॉप मोस्ट वाले पोजीशन पे। देखो दिख रही है? हाँ सर। तो कितना एंगल उसको कवर करना है? ये एंगल को अगर हम फाई कहते हैं, ये एंगल उसको फाई कवर करना है ना, देखो तो यस सर फाई। एंड ये एम्पलीट्यूड ए और एक्स का रिलेशन तो हमें पता है ऑलरेडी, अगर हम कॉस फाई निकालते हैं कॉस फाई तो हो जाएगा एक्स बाई ए, आपको ए ऑलरेडी मिल चुका है, उसको सब्स्टिट्यूट करके आप फाई निकाल सकते हो, फाई विल बी कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। जैसे ही आपको फाई मिल चुका है तो अब आपको टाइम मिल जाएगा, सो ओमेगा इंटू टी, ये आपका फाई होना चाहिए, तो टी विल बी फाई डिवाइड बाई ओमेगा, मतलब कॉस इनवर्स एक्स बाई ए एंड डिवाइडेड बाई ओमेगा, एंड ओमेगा कितना था रूट अंडर के बाई 3m by 2, k by 3m by 2, हो गया आंसर, समझ आया है? समझ आया है? हाँ सर। देखो, a vertical pole of density of length L, density rho, area of cross section A, floats in two immiscible liquids of density rho 1 and rho 2 in equilibrium position. The bottom end is at the interface of the liquid. ठीक है, equilibrium position है. When the cylinder is displaced vertically, find the time period of small oscillations. Oscillation का time period निकालना है. अब देखो, अगर मैं मान लेता हूँ कि सिलेंडर को थोड़ा सा नीचे push करते हैं, इसको x से नीचे पुश किया, तो अगर इसको x से नीचे पुश करोगे तो एक्स्ट्रा जो अपथ्रस्ट आएगा वो तो सिर्फ रो टू वाले लिक्विड की आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? यस सर, यस। राइट, सो फॉर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें, फॉर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगी, एफ रिस्टोरिंग अगर लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी रो टू इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू एक्स इनटू जी, यही होगा ना? हाँ सर। ठीक है, और इसको आप मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो मास के लिए सिंस वर्टिकल पोल का भी डेंसिटी दिया हुआ है आपको, तो डेंसिटी इनटू एरिया इनटू लेंथ, ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट बिकम्स रो 2 इनटू ax इनटू g, a गेट्स कैंसिल आउट एंड आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई है, दिस इज रो 2 इनटू g बाय रो इनटू l इनटू x। तो अगर आप देखोगे तो इससे आपको ओमेगा स्क्वायर तो मिल गया ना ओमेगा स्क्वायर, राइट? हां सर। इसको ओमेगा वन स्क्वायर कह रहा हूं मैं। ओमेगा वन स्क्वायर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब ये नीचे वाले लिक्विड में रहेगा तब के लिए बात कह सकते हैं। बट ये सोच के देखो, इसका दूसरा पार्ट सोचो, दूसरा पार्ट एक बार एनालाइज करके देखो, जब ये ऊपर की तरफ अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में तब क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ पे एक बार फिर से रीड्रॉ करते हैं इसको, ये हमारा सिलेंडर एंड ये इमेजिन करो हमारा रो वन वाला लिक्विड, एंड पहले इतना दूर तक था और नीचे में ये रो वन है और ये रो टू है, हमने इस बार इमेजिन करो उसको ऊपर की तरफ y डिस्प्लेस किया, ठीक है, x नहीं ले रहे हैं, y की तरफ डिस्प्लेसमेंट ले ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप y डिस्प्लेस करोगे तो देखो इस पोर्शन में जो अपथ्रस्ट पहले लग रहा था अब वो मिसिंग हो गया ना? हाँ सर। हो गया, नहीं हो गया? ये वाला पोर्शन देखो, इसमें जो पहले अपथ्रस्ट आ रही थी वो अब मिसिंग हो गया, तो वेट बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? उस ऑब्जेक्ट का वेट तो बड़ा हो जाएगा, समझ आ रही है?
तो कितने से बड़ा हो गया, कितने से वेट बड़ा हो गया, जितना अब थ्रस्ट आपने घटा दिया। तो अब अगर देखोगे तो इसमें इसकी एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ आएगी ए टू अगर लिखें, तो वो ए टू एक्सेलरेशन जो आएगी वो किसकी वजह से आएगी, रो वन वाले लिक्विड की वजह से आएगी ना। हाँ सर, समझ आ रही है। अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ना उल्टा नोमेनक्लेचर दे देते हैं, क्योंकि पिछला वाला रो टू की वजह से था तो उसको ऐसा लिख लेते हैं, ओमेगा वन स्क्वायर नहीं लिख के उसको ओमेगा टू स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट थोड़ा ज्यादा सिम्बॉलिक हो जाएगा क्योंकि रो टू लिक्विड की वजह से आ रहा है और यहाँ पे रो वन की वजह से, इसलिए इसको ए वन कर लेते हैं, ए टू नहीं करके इसको ए वन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो इसमें अगर आप रिस्टोरिंग मोशन, रिस्टोरिंग फोर्स देखोगे तो फॉर अपवर्ड, ये तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अपवर्ड, क्या लिख रहा हूँ, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, कंडीशन क्या आएगा आपका, जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज बेसिकली दी डिक्रीमेंट इन दी अप थ्रस्ट, डिक्रीमेंट इन अप थ्रस्ट कितनी हुई है, रो वन इंटू ए इंटू वाई इंटू जी, ए आएगा ना, एंड फिर वापस इसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लो, तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू एक्सेलरेशन, अब ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये एक्सेलरेशन ए वन है, पिछला वाला को ए टू मान लेते हैं, दिस इज ए टू, सो दिस इज रो वन इंटू ए वाई इंटू जी, ए गेट्स कैंसल आउट एंड आपके एक्सेलरेशन ए वन की वैल्यू मिल गई है रो वन इंटू जी डिवाइडेड बाई रो इंटू एल इंटू एक्स। अगर आप देखोगे तो ये वाली टर्म दिस इज ओमेगा वन का स्क्वायर दिख रही है, वाई, हाँ वाई, अगर आप देखोगे तो इसमें दोनों हाफ के लिए अलग अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दिख रही है आपको, लोअर हाफ के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है और अपर हाफ के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है ना, यस सर। तो दोनों के लिए, दोनों के लिए आपको क्या करना है, इंडिविजुअल एसएचएम का हाफ हाफ ऑसिलेशन है ना, कोई भी पार्ट पूरा तो नहीं हो रहा है, है रहा है क्या, नहीं सर, नहीं, तो दोनों का ही क्या है हाफ हाफ कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब फुल टी नहीं कंसिडर कर सकते, मतलब लोअर हाफ का अलग टाइम पीरियड जो हाफ ऑफ एसएचएम है और जो अपर हाफ है वो अलग फ्रीक्वेंसी का है, तो इसके लिए उसके लिए अलग हाफ ऑफ एसएचएम लेंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड टाइम होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर निकाले, सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी टी वन बाई टू प्लस टी टू बाई टू, हाफ क्यों किया, समझ आ रहा है ना आपको, हाफ क्यों किया, समझ आ रहा है ना, सो हाफ ऑफ टू पाई एंड देन रूट अंडर, यहाँ पे पहले वाले के लिए अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा, तो रो टू जी बाई रो एल, रो टू जी डिवाइडेड बाई रो एल एंड प्लस टू पाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका रो एल एंड ये रो वन जी, सॉरी, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, हाँ सर, ठीक है। इससे एक मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक पेंडुलम बॉब लटका हुआ है, और इसको हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक इलास्टिक स्ट्रिंग से भी लगा रखा है, ये इलास्टिक स्ट्रिंग है, दिस इज इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, मतलब ये बेसिकली स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा, बट ये स्प्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग और स्प्रिंग में डिफरेंस क्या आएगा, जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो उसको कंप्रेस करो या स्ट्रेच करो, दोनों में ही रिस्ट्रिंग फोर्सेस आएंगे ना, है नहीं है? हाँ सर, और स्ट्रिंग में कंप्रेस करेंगे तो स्लैक कट जाएगा। Exactly. तो यही डिफरेंस क्रिएट होगा। तो स्ट्रिंग जैसे ही कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग कहने का मतलब क्या है, ऑन कंप्रेशन इट विल स्लैक, ऑन कंप्रेशन इट विल स्लैक, मतलब कि लेफ्ट की तरफ, सॉरी, अगर राइट की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करें तो वो स्लैक कर जाएगा ना। हाँ सर, बट अगर लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस करे तो तब तो स्लैक नहीं करेगा, तब टेंशन जनरेट होगा, समझ आ रही है आपको। तो अब अगर हमने, तो अगर हमने इसका लेफ्ट की तरफ का डिस्प्लेसमेंट लिया, सोचो लेफ्ट की तरफ का डिस्प्लेसमेंट लिया, तब दोनों की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स आएंगे, mg की वजह से भी आएगा, यह है mg, ये एंगल को अगर थीटा मान ले, थीटा छोटा है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं, ये एंगल भी थीटा, तो इधर से जो फोर्स आएगी दैट विल बी mg sin थीटा, तो आएगा ही आएगा, एंड इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा k into x, x मतलब ये वाला लेंथ जो होगा,
ये भी आएगा, आएगा ना, आएगा। अरे हाँ या ना तो बोल दो बाबा। हाँ सर। सो इसको लिख सकते हैं mg into theta, और theta को लिखेंगे तो x by l लिखेंगे and plus kx लिखेंगे। तो ये अगर आप देखोगे तो यार ये mg by l plus k n into x आ गई है, और इसी को आप क्या करते हो, mass into acceleration लिखते हो, यही आपका restoring force आया है, ठीक है। तो इसी को mass into acceleration लिखा तो acceleration की value आ गई है, इसको a1 लिख लेते हैं लेफ्ट वाले पार्ट के लिए, तो ये आ जाएगी g by l plus k by m into x, बट ये लेफ्ट वाले पार्ट के लिए। अब इसको राइट की तरफ डिस्प्लेस करो, अगर हम इसको राइट की तरफ डिस्प्लेस करते, सोचो यहाँ पे लेके आ गए, तो अगर यहाँ पे लेके आओ गया तो mg की वजह से सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रेनिंग फोर्स आएगा ना। हाँ सर, एक ही रिस्ट्रेनिंग फोर्स होगा। दैट्स इट। सो mg sin थीटा ही सिर्फ आएगा। तो अगर मैं राइट डिस्प्लेसमेंट के लिए कंसिडर करूं, फॉर राइट डिस्प्लेसमेंट जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स आएगी दैट इज ओनली mg sin थीटा एंड नॉट kx वाला टर्म। तो इसको आप लिख सकते हो दिस विल बी mg into x by l and इसको mass into acceleration, acceleration gets cancelled out, ये a2 लिख लेते हैं इसको, तो a2 की जो वैल्यू आ गई है that is g by l into x, दिख रही है आपको। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि दोनों हाफ अलग अलग फ्रीक्वेंसी कैसे जमे ना। हाँ सर। तो इसके लिए जब आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप, लेफ्ट हाफ का एक आधा लेना है और राइट हाफ का आधा लेना है, सो दिस बिकम्स हाफ ऑफ 2 पाई into this will be 1 by root under g by l plus k by m and plus 2 pi root under l by g हो जाएगा। समझ आई सभी को? Yes sir। ठीक है, next bag में बताएं। Two uniform ropes having linear mass densities m and 4m. M and 4m linear mass densities है, mass नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। The loop is hanging over a frictionless small pulley with a light rope as shown in the figure. Now if point A is slightly displaced downwards and released, it is found that the loop performs SHM with time period of oscillation n. आपको n की value find करनी है। तो इसको अगर diagram में अगर show करें हम, तो situation कुछ ऐसा होगा जैसे ये हमारा pulley है, this is the pulley, और इसके ऊपर wrap कर रखा हमने एक string को, इसको थोड़ा नीचे खींच लिया हमने तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, और दूसरे पार्ट में वही चीज मैं यहाँ दिखाऊंगा। ये पहले का पोजीशन था, दिस वाज द इनिशियल पोजीशन, उसके रेस्पेक्ट में हमने इसको x से नीचे पुल किया था। तो अगर x से नीचे पुल करेंगे तो पॉइंट b x से ऊपर चला जाएगा ना। हाँ सर। राइट, दिस इज a, सो ये भी आपका x से ऊपर जा चुका है। और दूसरा स्ट्रिंग जो है उसको भी दिखा देते हैं, इधर छोटा हो जाएगा इधर लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ है ना, देखो तो ऐसा ही कुछ सर। वो हाइडर रूप कौन सा है, कौन सा मतलब the loop is hanging over a fixed frictionless small pulley with the lighter rope। अच्छा मतलब वो m वाला ऊपर है। हाँ ठीक है। अगर आप देखोगे तो effectively unbalanced forces आपको कहाँ दिखेंगे, देखो सिर्फ ये वाले portion पे, ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी तरफ देखो balance ही है। देखो ये वाले पोर्शन में ही सिर्फ अनबैलेंस है, देखो पिंक कलर से मैंने देखो हैचिंग की है, देख रही है आपको, सॉरी येलो कलर से हैचिंग की है, देख रही है, हाइलाइटर यूज किया। हाँ सर। बाकी में देखो बैलेंस ही है, कैसे बैलेंस है, देखो यहाँ पे जितना मास है उतना ही मास इधर भी है ना, है ही नहीं है। यस सर।
सेम तरीके से इधर देखो पिंक वाले पोर्शन में जितना मास इधर है उतना ही मास इधर भी है, तो वो लोग तो आपस में बैलेंस है. तो अनबैलेंस कहाँ पे है, देखो ए से बी के बीच में, देखो ए से बी के बीच में राइट साइड में देखो पिंक वाला है और लेफ्ट साइड में देखो ब्लैक वाला है. ब्लैक वाले का लीनियर मास डेंसिटी कितने का था, एम का, और पिंक वाले का लीनियर मास डेंसिटी कितने का, 4m का है ना. समझ आ रही है? हाँ सर. तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्स्ट्रा कितना जनरेट हो रहा है यहाँ से, यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो इधर से पुलिंग फोर्स कितनी आएगी, इधर से पुलिंग फोर्स आएगी लीनियर मास डेंसिटी इज 4m एंड दैट मल्टीप्लाइड विद x, यही आएगा ना, आएगा. हाँ सर. और इधर से जो लीनियर मास डेंसिटी है m, तो उसकी वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगी वो आएगी m into 2x, आएगी ना. ये x नहीं होगा, 2x होगा, सॉरी, क्योंकि 2x का लेंथ है ना. m 4m into 2x और यहाँ पे आएगा m into 2x. समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? हाँ सर. तो ठीक है, तो राइट साइड से देखो पुलिंग फोर्स है जो उस पूरे लूप को क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, और लेफ्ट साइड से जो पुलिंग फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है. तो जो बड़ा है वही तो घुमाएगा ना. तो जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स आपको मिल रही है, नेट रिस्टोरिंग फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो मिल रही है, दैट इज 4m into 2x minus m into 2x, and therefore this becomes equal to 4m minus m is 3m into 2x. And restoring force को mass into acceleration लिखेंगे, तो total mass कितना है, linear mass density m into 2l, and plus linear mass density is 4m into 2l, and into the acceleration which is common for each element. तो यहाँ से m तो सबका cancel out हो जाएगा, and अगर आप देखोगे यहाँ से आ रही है आपके पास acceleration की value आ रही है 6 divided by, अच्छा g multiply करना भूल गया मैं यहाँ पे, यहाँ g भी तो multiply होगा. ओह हाँ सर, g होगा, g होगा ना बेटा, g free body diagram में भी multiply होगा. So यार ये 6g, and इधर से आपके पास आ रही है 4 2 8, 8 plus 2 is 10, 10l, and that multiplied with x. So ये इसको ले सकते हैं आप 3g divided by 5l into x. यार ये ना देखो तो एक बार चेक करो, ठीक है, ठीक है. So time period of oscillation कितनी हो गई है? So time period of oscillation becomes 2π root under 5l divided by 3g. और उसने यहीं पे देखो कुछ एक दे रखा था, कहाँ गया? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन n है और l की वैल्यू उसने दे रखी है 150m डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर. m का वैल्यू तो नहीं दिया, m कहाँ गया, m तो नहीं दिया, m का वैल्यू मिस कर दिया उसने. एनीवे चलो ठीक है, आपको समझ तो आ गया ना क्या करना है, ठीक है. हाँ सर. ठीक है, वहाँ पे m का वैल्यू मिसिंग है, m तो दिया नहीं उसने, ऊपर में m नहीं दिया है और वो कटने का भी नहीं है, हमारे आंसर में m तो आया नहीं है, हमारे आंसर में देखो m नहीं है कहीं भी, दिख रही है आपको हमारे फाइनल आंसर में m नहीं है, दिख रहा है ना आपको? हाँ सर, m नहीं है. ठीक है, इसलिए वो m तो वहां पे. हाँ बोलो बेटा. सर एक बार डायग्राम दिखाइए. डायग्राम तो दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, तो है ही डायग्राम. अच्छा सर, मेरा लैग कर रहा था. हाँ सर, सर यहाँ पे राइट वाले पोर्शन में बी पोजीशन तक, नीचे से ऊपर तक वो हेवियर मास है 4m का, तो वो पुल कर रहा है नीचे की तरफ और वही टेंडेंसी है. पर सर लेफ्ट वाले पोर्शन में तो ऊपर की तरफ पुल करना चाहिए ना. ऊपर की तरफ क्यों पुल करेगा? अरे एक्स्ट्रा पोर्शन जो है वही तो अनबैलेंस्ड है. एक्स्ट्रा तो ए से बी के बीच में जो पोर्शन है उतना ही है ना, 2x वाला लेंथ. अरे तुमको तुमको अगर वैसे पसंद नहीं आ रहा, मैंने जो शॉर्टकट किया है वो पसंद नहीं आ रहा, तो तुम ऐसे करो ना, तुम इंडिविजुअली लेंथ वगैरह लिखना शुरू करो कि सबका लेंथ कितना है, और फिर फोर्सेस का इक्वेशन लिखो. ये एक्स माना तो ये कितना हो गया, ये हो गया एल माइनस एक्स. ये कितना हो गया, ये तो टोटल अपना एल ही है, तो यहाँ पे ये लेंथ कितना हो गया एल प्लस एक्स, फिर ये लेंथ कितना हो गया, दिस इज एल माइनस एक्स, फिर ये लेंथ कितना हो गया, दिस इज एल प्लस एक्स. अब आप क्या करो, अब आप बोलो
कि ठीक है अब हम इंडिविजुअली सारे मासेस की वजह से निकालेंगे, तो अब क्या लिखोगे आप? राइट साइड से अगर फोर्सेस लिखोगे तो क्या लिखोगे? लीनियर मास डेंसिटी ऊपर पोर्शन के लिए, राइट साइड के लिए लिख रहे हैं, तो एम इंटू एल माइनस एक्स प्लस फोर एम इंटू एल प्लस एक्स, ये हो गया राइट पोर्शन से, फिर माइनस अब लेफ्ट पोर्शन से, सो एम इंटू एल प्लस एक्स माइनस फोर एम इंटू एल माइनस एक्स, एंड फिर आप जी से मल्टीप्लाई कर दो इनको, आप जी से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। तुमको यही बोल रहे हो ना? हाँ सर, मतलब आप कैसे किए वो भी एक बार बोल दीजिए ना। मैंने ऑलरेडी बताया, तो जो पोर्शन आपका, देखो मैंने यू नो दो दो लाइन से काट के दिखा रखा है, जो पोर्शन लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन में इक्वल अमाउंट में है तो वो बैलेंस नहीं है क्या खुद में? हाँ वो बैलेंस्ड है। तो बैलेंस है तो फिर नीचे का देखो, ए लाइन के नीचे में मैंने पिंक पोर्शन को बैलेंस दिखाया है, दोनों को टिक करके दिखाया है, दो ऐसे साइड में स्लांट एरो से काटा है। हाँ सर, और बी पोर्शन के ऊपर में भी दिखा रखा है, बी पोर्शन के ऊपर में भी दिखा रखा है ब्लैक वाला स्ट्रिंग को, वो दिखा रखा है काट के रखा है, इसका मतलब वो भी आपस में बैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस कौन सा बचा? ए से बी के बीच में जो पोर्शन है वही तो अनबैलेंस्ड है। हाँ सर, उसमें से एक ज्यादा है एक कम है, तो एक नेट एक ज्यादा है एक कम है, तो ज्यादा वाला का माइनस कम वाले का सब्ट्रैक्ट कर दिया और आंसर निकाला। तुमको नहीं अच्छा लग रहा, तुम टोटल के साथ करो। A weightless rigid rod with a small iron bob at the end is hinged at a point A. Point A pe hinged hai ye. So that it can rotate in all directions. The rod is kept in the horizontal position by a vertical inextensible string of length 20 centimeters and fixed at its midpoint. The bob is displaced slightly perpendicular to the plane of the rod and string. Find the period of small oscillations of the system in the form of pi x by 10 seconds and fill the value of x. Okay. इस तरह की questions में देखो, ये जो bob है, ये bob ऊपर नीचे नहीं कर सकता है, कर सकता है क्या? ऊपर कर सकता है, नीचे नहीं कर सकता। नीचे कर सकता है क्या? नीचे जा सकता है क्या bob? अरे एक string लटका हुआ है ऊपर में, देखो ऊपर से एक string लगा रखा है जो B पॉइंट से एक स्ट्रिंग लटका हुआ है, वो रॉड को नीचे ही नहीं जाने देगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो वो नीचे नहीं जा सकता है, तो इसलिए ये वर्टिकल ऊपर नीचे ऊपर ऑसिलेशंस नहीं है, ये आपको मतलब इस प्लेन के अंदर एंड बाहर आपको ऑसिलेशंस करवानी है, प्लेन के अंदर एंड बाहर। देखो उसने क्वेश्चन में क्या भी रखा है, बॉब इज डिस्प्लेस स्लाइटली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड, मतलब इस प्लेन के अंदर एंड बाहर आपको ऑसिलेट करानी है। इफेक्टिवली अगर देखोगे तो उस बॉब का जो डिस्टेंस है पॉइंट बी का सस्पेंशन पॉइंट से, देखो ये वाली डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, क्या ये वाली डिस्टेंस चेंज होगी? नहीं सर। होगी क्या ये डिस्टेंस चेंज? नहीं सर। नहीं होगी ना, तो अब आप सोच के देखो, बस इसी के रिस्पेक्ट में आप सोचना शुरू करो, यहां से देखो एज एन ऑब्जर्वर, इधर से देखो, अब आपको क्या दिखेगा? एक सिंबल पेंडुलम की तरह ही तो सिचुएशन दिख रहा है ना, बस ऐसे सोचो कि इस डायरेक्शन में ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, mg इस तरफ है एंड ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा, तो इधर से आपका mg cos थीटा हो जाएगा, ये mg cos थीटा ही उसके लिए g effective की तरह बिहेव करेगा, तो दिस कैन बी रिटन एज m into g effective। समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? हां सर। देखो ये एक सिंपल पेंडुलम की तरह ही हो गया ये, क्योंकि अब इसके लिए अगर आप उस व्यू से देखोगे, उस व्यू से देखोगे तो आपको एग्जैक्टली सिंपल पेंडुलम का इतना ही सिचुएशन दिखेगा। समझ आ रही है आपको? हाँ ऐसा कुछ है, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, देखो देखो मुझे देखो, आपको समझ आएगा। नॉर्मली जब हम पेंडुलम बोलते हैं तो हम क्या मीन करते हैं? ऐसा है लटका हुआ और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, यही तो सोचते हैं ना, सोचते हैं राइट। अब मैं कह रहा हूँ कि अब ये बॉब ऐसा लटक गया है, ऐसे सोचो ऐसा लटक गया है और ये अंदर एंड बाहर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, राइट, यही तो है ना? ठीक है, तो अब आपको क्या करना, अपनी वी को इधर रखो, इधर व्यू रखो, इधर व्यू रखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यही लेंथ ऑफ पेंडुलम हो गया और इधर जो ग्रेविटी का कंपोनेंट था इस लाइन पे वही उसका इफेक्टिव डायरेक्शन हो गया,
अब इस डायग्राम का प्लेन को आप क्या करो, इधर टर्न कर दो, ठीक है, डायग्राम का प्लेन को टर्न कर दो। तो जब आप इसको इधर टर्न कर दोगे तो जो ऑसिलेशन ऐसे ऐसे हो रहा था, अब जब इसको वर्टिकल कर दोगे तो ऐसे ऐसे होगा ही नहीं होगा। हाँ, समझ आ रही है ना आपको? ठीक है, यस सर। तो इसके लिए आपका इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव ग्रेविटी बस आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ये वाली जो लेंथ आएगी दिस विल बी एल इफेक्टिव एंड जी इफेक्टिव तो जी कॉस थीटा है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सिंपली आप लिख सकते हो 2 पाई रूट अंडर, दिस विल बी एल इफेक्टिव एंड डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव कर लेंगे, दैट्स इट। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लो, सो दिस इज 2 पाई रूट अंडर, एल इफेक्टिव आपका हो जाएगा रूट टू एल क्योंकि दोनों ही लेंथ एल है, तो रूट टू एल एंड ये थीटा तो 45 डिग्री है तो जी बाय रूट टू आ जाएगा, तो ये रूट टू ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी 2 पाई रूट अंडर 2 एल डिवाइडेड बाय जी, ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट? हाँ सर, ठीक है, तो इधर से आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसमें उसने एक्सप्रेस करने के लिए आपको कुछ कह रखा पाई एक्स बाई टेन की फॉर्म में, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे लेंथ एल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको यूज कर लो। सो देयरफॉर टाइम पीरियड की वैल्यू को हम ले सकते हैं दिस इज 2 पाई रूट अंडर 2 इंटू 20 सेंटीमीटर मतलब 1/5 ऑफ अ मीटर एंड जी को हम लोग 10 यूज करेंगे एंड दिस विल बी रिटन एज पाई इंटू एक्स बाई 10 लिखेंगे, तो पाई गेट्स कैंसल आउट एंड इसको स्क्वेयर कर ले तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स बाई 100। सो यहाँ से ये 2 आ जाएगा तो x की वैल्यू हो गई है 16 आंसर हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, x स्क्वायर हो जाएगा ना सर? क्या 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 बेटा, फिर से बोलिएगा सर। आपने स्क्वायर किया तो सेट में अच्छा x स्क्वायर होगा। हाँ सही कह रहे हैं बेटा, x स्क्वायर आएगा सो x की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, सही कह रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ था क्वेश्चन। पहले रीड आउट कर लेते हैं, पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होगा। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज पिवोटेड एट वन एंड, जस्ट अ सेकंड, अ थिन डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, आर लेस देन एल इज अटैच्ड एट इट्स सेंटर to the free end of the rod. Consider two ways the disc is attached. Case A, the disc is not free to rotate about its center. And case B is, the disc is free to rotate about its center. The rod disc system performs the SHM in vertical plane after being released from the displaced position. Which of the following statement is or are true? ये आपको find out करना है। अब उसने पहला केस क्या कह रखा, restraint torque जो है case A और case B में compare करना है। टॉर्क तो आपको समझ आना चाहिए, फोर्सेस से ही आता है तो उससे फिक्स्ड होने का नहीं फिक्स होने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से एक इसका वेट आएगा, दैट विल बी एमजी, कैपिटल एम आएगा, और एक इसका स्मॉल एमजी आएगा। तो आप देखोगे तो इसमें कहीं पे भी ये कंडीशन यूज नहीं कर रहे हो आपकी जो डिस्क है वो रॉड के एंड से घूमने के लिए फ्री है या नहीं है, ये कंडीशन यूज नहीं हो रहा टॉर्क कैलकुलेशन के लिए। तो टॉर्क कैलकुलेशन के लिए जब वो डिस्टेंस यूज ही नहीं हो रहा है, मतलब वो जो कंडीशन यूज नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली टॉर्क आपका सेम आएगा, तो रिस्ट्रेंट टॉर्क आपको सेम ही मिलनी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो वो मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, टॉर्क की वैल्यू को जब आप आई अल्फा लिखोगे तो आई की वैल्यू आप क्या लिखोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, मैं दो सिचुएशन दिखाता हूं आपको, अब देखो एक बार। ये इमेजिन करो हमारा डिस्क है और इसको केस ए बना लेते हैं, ठीक है, दिस इज केस ए। केस ए क्या था, डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, मतलब कि यहां पे डिस्क का ये वाला पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है, मतलब इसको जैसे ऐसे सोचो कि किसी ने एक स्क्रू से बांध दिया उसको, अगर स्क्रू से बांध देंगे तो उस केस में क्या होगा, उसका ऐसे सोचो, एक मिनट में इसको दिखाता हूं तो आपको बेटर समझ आएगा। इधर सोचो, देखो जैसे जैसे ये सोचो कि ये फोन है, ठीक है, इसको सोचो मेरे हाथ से ऐसे लटका हुआ है, ठीक है, ऐसे हाथ से लटका हुआ है ऐसे, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसको बांध दिया है। बांधने से क्या होगा कि अब ये इसमें घूमने के लिए फ्री नहीं है, मतलब अब इसको घुमा नहीं सकते, इसको ऐसे नहीं घुमा सकते, ये बंधा हुआ है। तो जब मेरा हाथ टर्न करेगा सेको
तो ओरिएंटेशन ऑफ ये जो ऑब्जेक्ट है डिस्क वो टर्न हो जाएगा ना, ओरिएंटेशन ऑफ डिस्क टर्न होगा ना। हाँ सर समझ आ रही है। तो ओरिएंटेशन ऑफ डिस्क टर्न हो जाएगा, मतलब अगर मैं इसको टर्न करके थोड़ी देर बाद दिखाऊं, तो कुछ ऐसा दिखना है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे सपोजली कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेट से ये कोई भी एक रैंडम लाइन ड्रॉ किया ए बी, ये मैं ये ड्रॉ करने के लिए दिखा रहा हूँ कि ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, तो लाइन ए बी का ओरिएंटेशन अब ऐसा हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, बट अब दूसरा सिचुएशन सोचो। दूसरा सिचुएशन ये है कि यहाँ पे इस बार हमने क्या कर रखा है, इसको फ्री छोड़ रखा है, मतलब ये घूम सकता है इस पे, ठीक है, ये घूम सकता है। तो जब ये घूम सकता है इस केस में, तो जब आप इसको ऐसे टर्न करोगे ना, तो इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। सेंटर से ये सस्पेंडेड है, बट ये सेंटर पे फिक्स नहीं है, घूमने के लिए फ्री है यहाँ पे। तो जब घूमने के लिए फ्री है, तो जब आप इसको घुमाओगे, तो इस केस में इसका जो ओरिएंटेशन है वो फिक्स रह जाएगा, ओरिएंटेशन टर्न नहीं होगा। पिछली बार क्या हो रहा था, देखो पिछली बार ये ऐसे घूम रहा था, तो ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा। देखो ये अशोक स्तंभ जो आपको दिख रहा होगा, उसका ओरिएंटेशन देखो चेंज हो रहा है, दिख रही है आपको? यस सर। बट जब इसको फ्री छोड़ देंगे, घूमने के लिए फ्री छोड़ देंगे, तब जब इसको टर्न करेंगे ऐसे, ये देखो इधर से ऐसे टर्न किया, तो देखो इसका अशोक स्तंभ जो है वो वर्टिकल ही है, दिख रहा है आपको? यस सर। गेटिंग इट? तो इस केस में ओरिएंटेशन ही चेंज नहीं होगी। मतलब इस बार अगर आप दिखाओगे इसको डायग्राम, अगर दिखाएं इसको सेकंड केस को, अगर ड्रॉ करें, वो स्ट्रेट ही रहेगा, वो स्ट्रेट ही रह जाएगा, ये ए और ये बी। समझ आ रही है आपको? डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो सेकेंड वाला जो केस है, उसमें पूरा का पूरा मास जो है वो ऑलमोस्ट पॉइंट मास की तरह तो बिहेव कर रहा है ना, क्योंकि देखो जो सेकेंड केस है उसमें हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, ये तो पक्का है, क्योंकि ये तो प्योर ट्रांसलेशन हुआ ना। सेकेंड केस जो है, सेकेंड केस जो है ऑब्जेक्ट का प्योर ट्रांसलेशन है ना, प्योर ट्रांसलेशन का पता, जब ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती है। तो इसमें जो डिस्क है ये प्योर ट्रांसलेशन में जा रहा है, प्योर ट्रांसलेशन है, जबकि यहाँ पे क्या है, प्योर रोटेशन है। समझ आ रही है आपको? गेटिंग इट और नॉट? तो प्योर ट्रांसलेशन में पूरा का पूरा मास क्या करेंगे, आप कंसेंट्रेट कर सकते हैं ना सेंटर में, क्योंकि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी तो एक ही है, तो रोटेशन का तो इफेक्ट है ही नहीं। तो इस केस में जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क लिखोगे, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, तो आपको सिंपली कैपिटल एम इंटू डिस्टेंस जो लेंथ है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ आ रही है? जबकि इस केस ए में जब आप करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जब लिखोगे, तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पहले आप क्या लिखोगे, m इंटू आर स्क्वायर बाई टू लिखा, n प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ml स्क्वायर करोगे। समझ आ रही है आपको? हाँ ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो केस ए में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है ना, यस सर, सही नहीं है? और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो अल्फा कम आएगा, कम आएगा, है ना? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ केस ए बीइंग ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, ऐसे नहीं, greater than moment of inertia in case B, so therefore alpha in case A will be lesser than alpha in case B, and therefore omega in case A will be lesser than omega in case B. समझ आई? समझ आई आपको? Understood everybody? ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा।
this is K1, this is K2, and this is K3. एंड इसके लिए टाइम पीरियड ऑफ SHM हमसे पूछा है कितनी आएगी. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जनरली जेई के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जेई में जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो एक सिंगल स्प्रिंग से ही पूछते हैं या मैक्सिमम दो स्प्रिंग, उससे ज्यादा स्प्रिंग का कभी भी क्वेश्चन पूछते नहीं है. बट अगर आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वगैरह कोई भी देते हो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो ये इनका फेवरेट क्वेश्चन होता है. यू नो, ज्यादा स्प्रिंग बढ़ा देते हैं और उसको उनको लगता है कि क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं वो. तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं. पहले आपको जनरल तरीका दिखाता हूँ और उसके बाद फिर एक शॉर्टकट भी सिखाऊंगा मैं आपको. पहले जनरल तरीका देखते हैं. जनरल तरीका ये होता है कि पहला चीज है ये है कि एमजी का इन सब सिचुएशन में कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि एमजी इज अ कॉन्स्टेंट फोर्स. एंड अगर आपको याद हो तो कोई भी कॉन्स्टेंट फोर्स किसी सिस्टम का टाइम पीरियड ऑफ SHM अफेक्ट नहीं करता है. आपको याद है, डू यू रिमेम्बर, स्प्रिंग मास सिस्टम में मैंने आपको ये प्रूव भी करके दिखाया था कि कोई भी कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो उससे मीन पोजीशन का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन का जो पोजीशन है वो चेंज हो सकता है, बट उससे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अफेक्ट नहीं होती. याद है आपको? हाँ सर. ठीक है, तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस में आप ग्रेविटी को आराम से नेग्लेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको आराम से आंसर मिलेगा. ठीक है, भी आराम से नेग्लेक्ट करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो हम ये मान के चलेंगे कि इसमें ग्रेविटी हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो ग्रेविटी नहीं होने से जितना आंसर होगा और ग्रेविटी होने से जितना आंसर आएगा वो सेम ही आएगा. अब हमने क्या किया, मान लेते हैं कि हमने क्या किया, इसको सिस्टम को, इस ब्लॉक को थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस किया x से. तो x से अगर हम इसको नीचे खींचते हैं तो ऑब्वियसली जो यू नो ब्लॉक से कनेक्टेड जो लोअर एंड ऑफ स्प्रिंग है वो भी x से नीचे आ जाएगा. आएगा नहीं आएगा? हाँ सर. ठीक है, जो ब्लॉक का अपर एंड ऑफ स्ट्रिंग होगा वो भी कुछ नीचे आएगा, ये नहीं पता कितने से नीचे आएगा. तो इसको कुछ एक मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज x3. ठीक है, x3 अमाउंट से ये नीचे आ गया. फिर इसकी वजह से अब क्या होगा, ये जो K2 वाला जो स्प्रिंग है वो भी यू नो उस पुली से, उससे जो पुली कनेक्टेड है वो भी हो सकता है आपका X2 से ऊपर चला जाए. एंड K1 वाला जो स्प्रिंग है हो सकता है वो आपका नीचे आ जाए, उसका जो लोअर एंड है वो आपका नीचे चला जाए बाय डिस्टेंस X1 मान लेते हैं. ठीक है, तो पहला चीज अगर आप देखोगे तो हमने वेरिएबल यहाँ पे चार यूज कर रखा है ना, चार वेरिएबल है आपको दिख रहा है, X1, X2, X3 और X, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं आपको? तो ये चार वेरिएबल का पहले तो आपको रिलेशन लिखना पड़ेगा. पहले आप ये सोच के देखो, हमारी एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, एक स्ट्रिंग है, उसको मैं मार्क करता हूँ एक बार. देखो आप ये वाली स्ट्रिंग चेक करो, ये वाली स्ट्रिंग, ये कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है ना, आपको दिख रही है? मैंने हाईलाइट किया, आपको दिख रही है? येलो कलर से थोड़ी लाइट होगी, कलर हाईलाइट की है, दिख रही है आपको? यस सर. तो ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, क्या हम इसका लेंथ को चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग के लेंथ को चेंज कर सकते हैं क्या? नो सर. नहीं, तो स्ट्रिंग छोटा कहाँ पे हो रहा है, देखो तो छोटा कहाँ पे हो रहा है, देखो लेफ्ट वाला जो एंड है जिसको X1 से नीचे खींचा है उसकी वजह से वो पोर्शन जो है वो छोटा हो जाएगा. नहीं, X1 से छोटा हो जाएगा. हाँ सर, X1 से. और जो हमने X2 जो ऊपर की तरफ दिखा रखा है उसकी वजह से भी हमारा जो दो एंड पे स्ट्रिंग है वो छोटा हो जाएगा. हाँ सर, दो एंड. हाँ सर, है ना. तो देखो X1 से छोटा हुआ, सॉरी, X1 से छोटा हुआ, फिर X2 से भी छोटा हुआ, समझ आया आपको? ये हमने नीचे मतलब जो लेफ्ट X1 और X2 का कंट्रीब्यूशन ले लिया है. अब लंबा भी तो कहीं होना है, लंबा कहाँ हो रहा है, देखो X3 से देखो लंबा हो रहा है, दिख रहा है? क्योंकि जो K3 का अपर वाला एंड है उसको हमने X3 से नीचे डिस्प्लेस किया है, दिख रहा है? हाँ सर. तो इसका मतलब यहां पे दिस शुड बी इक्वल टू X3, राइट? ये हमारा पहला कंडीशन हो गया. गॉट इट? ठीक है. अब दूसरी चीज ये है कि जो ये यू नो येलो कलर के हाइलाइटर से मैंने जो दिखा रखा है उसमें अगर मैं स्ट्रिंग का टेंशन की बात करूं तो टेंशन में किसी भी जगह से निकालूं वो सेम ही आना चाहिए. तो टेंशन कितना होगा, K1 X1, क्या वो स्ट्रिंग का टेंशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है वो स्प्रिंग, है ना? हाँ सर. तो K1 X1 ये हो गया फोर्स. दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू, अगर K3 वाले स्प्रिंग से निकाले तो K3 into x minus of x3, क्योंकि अगर आप देखोगे तो K3 वाले स्प्रिंग में नेट इलॉन्गेशन कितना आया, x minus x3, क्योंकि लोअर एंड को हमने x से नीचे पुश किया, पुल किया, और अपर एंड आपका x3 से नीचे आ गया, तो नेट इलॉन्गेशन तो x minus x3 हुआ, हुए नहीं हुआ? हाँ सर. ठीक है, अब जो ऑसिलेटिंग पुली भी है जो जिसको हमने x2 से डिस्प्लेस किया था उसके ऊपर में जितना फोर्स है और जो नीचे में फोर्स है वो सेम होना चाहिए, है ना? तो ऊपर में फोर्स कितना है, 2K1X1 होगा ना, 2K1X1. हाँ सर. क्योंकि यहाँ पे आप दिखाओगे तो K1X1, यहाँ पे तो K1X1 है,
है ना, सेम स्ट्रिंग, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, तो ये भी तो सेम होना है ना, 2k1x1 has to be equal to k2x2. हाँ सर. तो इसको लिख सकते हैं ना, this will be equal to k2x2 divided by 2. लिख सकते हैं क्या इसको? Yes, समझ आई आपको? समझ आई है? हाँ सर. ठीक है, अभी काम करते हैं हम लोग, क्या करें यहाँ से x2 को पहले हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि हमें x2 चाहिए नहीं, x और x3 के टर्म्स पे हमें फोर्स मिल जाएगी, तो यहाँ से x2 को एलिमिनेट कर लेते हैं. तो इस इक्वेशन में क्या करें, इसको ऐसे लिख लें, x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अभी x2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट इज 2k1 बाई k2 इंटू x1 एंड दैट इज इक्वल टू x3. देखो तो समझ आइए आपको, जस्ट मैंने x2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना? हाँ सर. और यहां से अगर आप देखोगे तो आपके वैल्यू मिल जा रही है आपको, x1 कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4k1 बाई k2 एंड दैट इज इक्वल टू x3 आ गई है, ठीक है ना? यस सर. यहाँ पे x1 और x3 को हमने रिलेट कर लिया, ठीक है? अब वापस से हम लोग क्या करें, यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करें, इस इक्वेशन को यूज करो, तो यहां से आपको दिखेगा x3 को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो x1 into 1 plus 4k1 divided by k2 that is equal to x3, तो x3 का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x3 is k3x minus k1x1 divided by k3. देखो चेक करो एक बार, ठीक है ना? ठीक है. X1 को फिर से कॉमन कर ले तो ये जाएगा 1 प्लस 4k1 बाई k2 प्लस k1 बाई k3 एंड दैट इज इक्वल टू x, ठीक है ना? ठीक है. हाँ सर. कैलकुलेशन बस एक बार चेक करते रहो. ओके ठीक है. सो देयरफॉर अब अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लिखते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी आएगी उस ऑब्जेक्ट पे? रिस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट पे कितनी है? जो स्प्रिंग फोर्स आएगी, और स्प्रिंग फोर्स कितना था? K3 into x minus x3. And K3 into x minus x3 was also equal to K1 x1. तो वो यूज कर सकते हैं. तो K3 into x minus x3, ठीक है? And that can also be written as K1 into x1. और x1 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके, उसको यूज करो. तो ये हो जाएगा K1 into x divided by 1 plus 4k1 by k2 plus k1 by k3. And इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं, this is, ये k1 को इधर लेके चले जाए तो आ जाएगा 1 divided by 1 by k1 plus 4 by k2 and plus 1 by k3 and that multiplied with x आ गई है. देखो force proportional to x हमने prove कर दिया है, और जैसे ही फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स प्रूव कर दिया तो ये जो कांस्टेंट टर्म दिख रही है आपको, ये उसका के इफेक्टिव हो जाएगा. दिस इज के इफेक्टिव. सो इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि के इफेक्टिव इज इक्वल टू 1, या ऐसे लिख लेते हैं, इसको एक लाइन बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, 1 बाई के इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई के 1 प्लस 4 बाई के 2 एन प्लस 1 बाई के 3. ये आंसर हो गया. अब के इफेक्टिव मिल ही चुका है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर m बाई के इफेक्टिव कर लेंगे. समझ आई आपको? हाँ सर. ठीक है, अब ये थोड़ा लंबा था, थोड़ा लंबा है, बट ये यू नो ये मेथोडिकल तरीका है, मतलब इससे आप समझते हो. देखो इसमें काफी कुछ किया है, इसमें यू नो इलोंगेशंस को रिलेट करना सीखा आपने, फिर आपने ये भी सीखा कि यू नो कि आपको यू नो इतने सारे वेरिएबल से आप एक सिंगल वेरिएबल में कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, आपने ये भी सीखा. बट अब आपको एक यू नो एक छोटा तरीका दिखाते हैं, मतलब ये थोड़ा सा ऑल्टरनेट तरीका की तरह आप ध्यान रखना है, आपको ऑल्टरनेट तरीका है, ये शॉर्टकट की तरह ही याद रख सकते हैं. जैसे आपको करना क्या है वो एक ट्रिक की तरह आपको बता रहा हूं. ऑल्टरनेटिव ट्रिक फॉर मल्टीपल
स्प्रिंग सिस्टम। इसमें आपको करना क्या है बेसिकली, आपको वन बाई जो के इफेक्टिव लिखना है, दैट विल बी, इसको आप ऐसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका होगा वन बाई के वन इंटू टेंशन इन बॉडी डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्प्रिंग ऑफ के वन, इसका स्क्वायर प्लस वन बाई के टू इंटू टेंशन इन बॉडी डिवाइडेड बाई टेंशन इन स्प्रिंग के टू का स्क्वायर एंड प्लस करके जितने भी स्प्रिंग होंगे इन सब के लिए काम करना है। तो यहाँ पे ये जस्ट मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो टीबी लिखा है हमने, दिस इज टेंशन इन बॉडी एंड टी वन जो है टेंशन इन बॉडी मतलब टेंशन इन स्ट्रिंग अटैच टू बॉडी, स्ट्रिंग अटैच टू बॉडी एंड टी वन जो है दैट इज टेंशन इन स्प्रिंग ऑफ कॉन्स्टेंट के वन, टी टू इज टेंशन इन स्प्रिंग ऑफ कॉन्स्टेंट के टू एंड ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको यूज करके एक बार देखते हैं कि डायरेक्टली इससे आंसर आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, हमारा ये जो एग्जाम्पल था इसी को लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, मैं डायरेक्टली इसको ड्रॉ करता हूँ। इन सबको हटा देते हैं, सब कलाकारी रखी है हमें। बस ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि कैसे टेंशन को आपको रिलेट करना है। देखो सबसे पहले चीज यहां पे अगर हम टी कह रहे हैं तो पक्का है यहाँ भी टी है, 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 बट इधर देखेंगे तो टूटी हो जाएगा, होगा ना? हाँ सर, टूटी हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या सीखा था, फॉर्मूला वन बाई के इफेक्टिव दैट विल बी वन बाई के वन एंड के वन के साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, टेंशन इन बॉडी डिवाइडेड बाई टेंशन इन स्प्रिंग का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे तो T बाई टी का स्क्वायर ही हो जाएगा, होगा ना? टेंशन इन बॉडी भी T है और टेंशन इन K1 वाला स्प्रिंग भी कितना है, T है ना? राइट? ठीक है, फिर अब K2 वाले के लिए करें तो 1 बाई K2 इंटू टेंशन इन बॉडी इज T, जबकि टेंशन इन स्प्रिंग ऑफ कॉन्स्टेंट K2 वो कितना है, 2T है ना? 2T, उसका स्क्वायर कर लिया। प्लस अब K3 वाले के लिए तो 1 बाई K3 इंटू यहाँ पे टेंशन T और इधर भी T, तो T का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली वही आ रहा है। देखो 1 बाई के वन प्लस 4 बाई के टू प्लस 1 बाई के थ्री, एग्जैक्टली वही आ रहा है। देखो देखो दिख रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो इसीलिए यू नो मतलब जनरली क्या होता है ना कि जैसे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोग ये सब चीजें यू नो डायरेक्टली कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनको लगता है कि वो बहुत ओवर स्मार्ट हो रहे हैं। जबकि कोचिंग मतलब जब फाइनल एग्जाम्स की आप बात करोगे तो फाइनल एग्जाम्स में कभी भी दो स्प्रिंग से ज्यादा का क्वेश्चन आता ही नहीं है, नहीं आता, कभी भी नहीं आता। एक स्प्रिंग के ही क्वेश्चंस वो पूछते हैं क्योंकि एक स्प्रिंग के ही क्वेश्चंस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो बना लेते हैं, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसमें यू नो जस्ट आपको दोनों तरीका दिखा दिया है। पहला मेथोडिकल तरीका है क्योंकि आपको मार्क्स, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो उसी में मार्क्स मिलेगा। सब्जेक्टिव भी पता नहीं आगे फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, नोबडी नोज कि कल को अगर जाके वो सब्जेक्टिव भी करवा दें एग्जामिनेशन, तब उस केस में आप ये वाला शॉर्टकट नहीं दिखा सकते, तब आपको वो मेथोडिकल तरीके से करके दिखाना पड़ेगा। चलो एनीवेज, समझ तो आ गई सभी को, आगे बढ़े सर। सर दो स्प्रिंग वाला भी तो वैसे एनालाइज करके ही करना पड़ेगा जैसे आपने क्लास में करवाया था। हां हां हां, वो मतलब रिड्यूस मास सिस्टम वाला ना। हां रिड्यूस मास भी तो, और आपने मतलब इलोंगेशन और स्ट्रिंग का जो थ्योरी है वहीं से वो से कर सकते हैं, बट सिंस अब आप ये शॉर्टकट सीख चुके हैं अब आप डायरेक्टली उसको लगा लीजिएगा, इसी को लगा लीजिएगा। अगर सिर्फ टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम वेस्ट क्यों करें?
ठीक है, हाँ वो ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि अब किसी को दिखाना तो नहीं हमें कि हम कैसे कर रहे हैं, आंसर तो मिलाना है, आंसर मिलाने का काम तो इसी से कर सकते हैं ना, हाँ सर, ठीक है, ठीक है ना, हाँ सर, ठीक है।